हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की जानकारी देने जा रहा हूँ। आइए टाइप कर लेते हैं www.igcar.gov.in। टाइप किए, यहाँ टाइप किया कर दिया हमने और इंटर किए। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के तरफ से अप्रेंटिसशिप की के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो मैं यहां पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर रहा हूं। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करते ही एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 यहाँ पी डी एफ पे क्लिक किया, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। डाउनलोड होते ही डाउनलोड होकर ये हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च रिक्वायरमेंट सेक्शन कल्पकम, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर ऑफ अप्रेंटिस टू बी 130 के करीब, 130 के करीब रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फीटर के लिए यहाँ पे बताया गया है 30 दिखाया जा रहा है। 10th पास होना चाहिए और कम से कम 2 साल का SCVT या NCVT से सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। टर्नर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऐसे करके NCVT और SCVT दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोपा के लिए भी यहाँ पे कोपा वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्लेस होगा इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कल्पकम। एज लिमिट्स होगा 16 से कम नहीं होनी चाहिए और 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का, और OBC प्लस PWD यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल, और PWD या SC ST यानी इनके लिए, सॉरी इनके लिए PWD प्लस SC या ST इनके लिए 15 ईयर्स का छूट हो सकता है। आप पढ़ लीजिएगा, ये जो ट्रेनिंग का पीरियड है ये एक्ट अप्रेंटिस 1991 के तहत दिया जाएगा, ये बताया नहीं गया। यहाँ पे स्टाइपेंड भी DGET मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा तय किया जाएगा। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको ये वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोफाइल डाउनलोड कर लेना होगा, या फिर ये सब चीज़ें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होगी वहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर ये जो होने जा रहा है ये इंटरव्यू के द्वारा होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में नीचे दिया गया है उस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, NCVT हो या SCVT का, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, मदर्स नेम प्रूफ चाहिए, और एक कॉपी जो apprenticeship.gov.in से जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वहाँ से एक कॉपी मिलेगा, उसको ले जाना है।
द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट बाय कैंडिडेट लेटर बाय ईमेल। ईमेल के द्वारा आपको इंटरव्यू कहाँ होगा कब होगा सूचित कर दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, दसवीं के सर्टिफिकेट के अनुसार भरना होगा। जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के दौरान अपना ट्रेड मेंशन करना होगा, सेम ट्रेड। आवेदन पत्र दो राजपत्रित अधिकारियों से मूल दो प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आप सब पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ये बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको www.igcar.gov.in की वेबसाइट पे जाना होगा, फिर रिक्वायरमेंट टैब सेलेक्ट करना होगा, फिर एक एक करके आप प्रोसेस पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक बात बताते चलो कि इसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और 24 अप्रैल 2019 17 बजे तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा।